की वीडियो उन सभी के लिए जिन्हें मैजिकल फैंटेसी दुनिया उनकी एडवेंचरस जर्नी को एक्सपीरियंस करना पसंद है, क्योंकि भाई इनकी मैजिकल पावर इनकी वो फैंटेसी दुनिया की बात ही कुछ और है। फैंटेसी एडवेंचर वेब सीरीज एक से बढ़कर एक है, ताकि तरह टॉप लेवल की होंगी, तो एक भी मिस ना करिएगा। ऐसे ही बेहतरीन मैजिकल फैंटेसी सीरीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। द बीच हाउस इस वाली मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है एक लड़के और उसके गर्लफ्रेंड की स्टोरी, जिनके रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स हो जाती है और इसी वजह से वो लड़का अपने डैड के बीच हाउस के अंदर जाते हैं ताकि उनके बीच में जो अप्स एंड डाउन्स हैं उन्हें वो ठीक कर सके। लेकिन जब वो दोनों उनके बीच हाउस के अंदर जाते हैं, वहाँ उन्हें पता लगता है कि उनके अलावा कुछ और लोग भी रह रहे होते हैं। लेकिन अचानक से मूवी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे उनके पास रहने वाले लोग अचानक से वियर्ड और ज़ॉम्बी टाइप्स बिहेव करना शुरू करते हैं। अब ऐसे क्या हो चुका था उस बीच वाले साइड के अंदर कि अचानक से उनके पास रहने वाले लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे और बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे होते हैं। तो इसकी मिस्ट्री कहानी को जानने के लिए आप इस मूवी को देखिए। फोकस ब्लोन की कैरेक्टर पे बेस्ड है, जिनके पास कुछ मैजिकल पावर है। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब ब्लोन एक मैजिकल बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेती है ताकि खुद की अपनी सुपर पावर को कंट्रोल करना सीख सके। आगे की स्टोरी आप सीरीज में देखकर एक्सपीरियंस करो। बात करें सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट की, तो भाई इसके मैजिकल पावर की CGI ग्राफिक्स कमाल की है। हर एक के पास अपनी अपनी कुछ ना कुछ सुपर पावर जो आपको देखने में मजा बहुत आएगा। वहीं दूसरी ओर इसकी नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो भाई इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कैरेक्टर के बीच में वो इमोशंस नहीं बिल्ड कर पाते, जिससे आप कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते। बाकी इसके मैजिकल पावर आपको सीरीज डिसअपॉइंट नहीं होने देगी। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। एटीट्यूड ये 2017 की बनी को एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि हाल ही में हिंदी डब में रिलीज होकर यूट्यूब पर आ चुकी है। इस मूवी की बेसिक स्टोरी की बात करें तो मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है कि स्ट्रेंजर एक एफबीआई एजेंट से मदद मांगती है, क्योंकि वो लोग जिस फ्लाइट से जा रहे होते हैं वो फ्लाइट हो चुका है हाईजैक और हाईजैक करने वाले लोग पैसेंजर्स को मार रहे होते हैं। अब ऐसा वो स्ट्रेंजर एफबीआई एजेंट की मदद से कैसे सब कुछ फिक्स करता है कि अपनी जान बचा पाएगा या फिर नहीं, एग्जैक्टली इसी चीज को हम इस मूवी के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आपको मूवी की कॉन्सेप्ट पसंद आती है तो ही आप इस मूवी को देख लेना, अदरवाइज आप इस मूवी को स्किप भी कर सकते हो। स्टोरी आपको सीधा 1889 में ले जाएगी, जहां पूरे यूरोप में बचे 5 वैम्पायर को ट्रेनिंग दिया जाता है इंसानों के साथ रहकर खुद को सरवाइव करने का। स्टोरी में ज्यादा कुछ बता नहीं सकते भाई, आगे की स्टोरी आप खुद ही देखकर एक्सपीरियंस करो। बात करें सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट की, तो सबसे पहला पॉइंट भाई इसके कॉन्सेप्ट वैम्पायर टाइप सीरीज देखने में हम ऑडियंस को काफी मजा आता है। वैम्पायर वाली मैजिकल पावर वो खून चूसने वाला कॉन्सेप्ट कमाल की होती है। और दूसरी बात भाई, 20 से 25 मिनट की हर एक एपिसोड कब निकल जाएंगे आपको फील भी नहीं होगा। बस खटकेगा तो इसके MX प्लेयर की तरफ से या हिंदी डबिंग, जो आपको कहीं कहीं पे इरिटेट जरूर करेगा। बाकी आप सीरीज को बेहिचक देखिए, हिंदी डबिंग के साथ MX प्लेयर पे अवेलेबल। साइंस फिक्शन फैंटेसी वाली मूवी जिसका नाम होता है सिम्यूलेंट, ये 2023 की बनी एक फिल्म है जिसको IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिल चुकी है। ये मूवी आपको सीधा फ्यूचर मिले जाएगी, जहाँ पर कहानी हमें एक ऐसी दुनिया की देखने को मिलती है जहाँ पर इंसानों के बीच में बहुत सारे रोबोट्स हैं। अब ऐसे में इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलती है जो कंपनी ये सभी रोबोट्स वगैरह बनाते हैं लोगों के लिए, वो कंपनी कुछ लोगों को बेचते हैं ताकि वो एक खराब हो चुके रोबोट को पकड़ सके, क्योंकि उस रोबोट ने एक इंसान की जान ले ली, जो कि किसी भी रोबोट की पहली प्रायोरिटी है कि वो किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकते हैं। अब ऐसे में आगे कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट टर्न होते हैं ये आप इस मूवी के अंदर देख सकते हो, जो कि फैंटम में यूट्यूब पर मौजूद है। अगर भाई आपको डार्क मैजिकल फैंटेसी भी चुड़ैल पे बेस सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज धीरे धीरे करके आपकी रगों में बस जाएंगी। 2018 से टोटल 4 सीजन फैंटेसी हॉरर ड्रामा के साथ चिलिंग एडवेंचरस ऑफ सबरीना। सबरीना की कैरेक्टर, उनके टीनेज लाइफ में हो रहे बदलाव, इस दुनिया के बाद एक अलग ही दुनिया, ये सब भाई आपको सीरीज से बांधे रखेगी। जरूर देखिएगा, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ब्रायल ये 2012 की बनी एक एक्शन वाली फिल्म है जिसको IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी मूवी काफी अच्छी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर कहानी में देखने को मिलती है माइक नाम के एक बंदी की स्टोरी, जो कि एक्चुअली एक फाइटर हुआ करता था लेकिन कुछ लोगों ने उसे लूट लिया था और इसी वजह से वो टोक्यो चला आता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है दूसरे बंदे से और वो दोनों मिलकर अंडरग्राउंड में एक टूर्नामेंट खेलना चालू करते हैं। अब इसी टूर्नामेंट को क्या वो लोग पाएंगे या फिर नहीं, एग्जैक्टली इसी चीज को जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर एक्शन बहुत ही कमाल की है। सीरीज थोड़ा स्लो जरूर है, पर भाई इसके कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक एंड फ्रेश है। अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड में एकदम फटाफट चीजें देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको थोड़ी स्लो जरूर लग सकती है। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2022 की फैंटेसी ड्रामा के साथ द सैंडमैन। स्टोरी भाई अपने सपनों की देवता पे बेस्ड है, जिन्हें धरती पे कई सालों तक कैद कर रखा जाता है। वहाँ से निकलने के बाद अपनी सारी पावर को फिर से हासिल करने की जर्नी। कुछ अलग और डिफरेंट तरीके से फैंटेसी एडवेंचर सीरीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, थोड़ी सब्र के साथ तो इस ड्रामा सीरीज को जरूर देखिए। इसकी वो डार्क फैंटेसी दुनिया आपको काफी पसंद आएगी।
खूब ज्यादा तो नहीं भाई, पर जितनी है कमाल की है। एंड तक आते आते आपको 100% सेटिस्फाई करेगी। लीड कैरेक्टर की एक्टिंग आपको काफी पसंद आएंगी। बस बीच की एपिसोड थोड़ी स्लो है, सब्र रख कर देखिएगा तो यकीन मानिए सब्र का फल मीठा होगा। नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। प्रिंसेस लॉस्ट इन टाइम ये 2019 की बनी की फैंटेसी फिल्म है जिसको IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिल चुकी है। तो इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है प्रिंसेस या राजकुमारी की स्टोरी। जिस दिन वो 20 साल की हुई थी उसे एक स्टॉप मिल जाता है कि वो जिस दिन को जी रही होती है वो बार बार उसी दिन को जी रही होती है। मतलब कि वो राजकुमारी जिस दिन 20 साल की हुई थी उसे ये पता लगता है कि जब भी शाम होता है फिर से सूरज उग आता है और वो उसी दिन को बार बार जी रही होती है। अब वो राजकुमारी कैसे इस स्टॉप को तोड़ पाएगी या फिर नहीं, ये हम इस मूवी के अंदर देखने वाले हैं। एग्जैक्टली कहो तो एक फैंटेसी वाली फिल्म है जो कि एक्चुअली लोगों को पसंद आती है। हमारी दुनिया से अलग एक पैरेलल की दुनिया में ले जाएंगी, जिसे हाल ही में प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया डार्क फैंटेसी ड्रामा के साथ द ग्रिफन। एक ऐसी मिस्टीरियस बुक जिस पर आपकी साइन करने के बाद हमारे इस दुनिया और उस पैरेलल दुनिया में आप सफर कर सकते हैं। ट्विस्ट तो यह है कि उस पैरेलल दुनिया की एक क्रैकन मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आना चाहता है ताकि इंसानों को गुलाम बना सके। कैसे हमारे लीड कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को रोकते हैं, बात करें सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट की तो भाई इसके कॉन्सेप्ट कुछ खतरनाक सा फील आपको जरूर कराएगी। केवल 6 एपिसोड आपको बोर नहीं होने देती। जरूर देखिए हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल। द मैकेनिक ये 2011 की बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि 6.5 की रेटिंग के साथ। इस फिल्म के अंदर कहानी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की स्टोरी देखने को मिलता है जिसका नाम होता है बिशप। वो लोगों को मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को कुछ इस तरीके से मारता है कि दूसरे लोग देखने वाले उसे बोलेंगे कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट या फिर सुसाइड है। अब बिशप अपने इस काम में बहुत ही जबरदस्त माहिर होता है लेकिन उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक आदमी को मारने के लिए, लेकिन वो उस आदमी को तो मार चुका था लेकिन उसका बेटा अब बिशप से बदला लेना चाहता है। तो इसके बाद मूवी की कहानी में क्या कुछ चीजें होगा ये जानने के लिए इस मूवी को देखिए। मस्ट वॉच वाली फिल्म है की एक्शन एडवेंचर के साथ पीस मेकर। अगर भाई कुछ अजीब सा सुपर हीरो पे बेस सीरीज देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप बेहिचक देखना स्टार्ट करिए। आपको हर एक एंगल से परफेक्ट लगेगी, चाहे इसके कैरेक्टर की अजीबो गरीब वो इंट्रोडक्शन एकदम बिंदास एंड बेधड़क टाइप, इसके एक्शन सीन तोड़ फोड़ और खतरनाक, ये सब आपको काफी पसंद आएंगी। और हाँ, सीरीज में कई जगह पे न्यूड और बेड सीन है तो 18+ है। प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। डेंजरियस ये 2021 की बनी एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म है जो कि आई थी 5.1 की IMDb रेटिंग के साथ। इस मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है डेल एंडी फॉस्टर की कहानी जो कि एक्चुअली एक मानसिक रोगी होता है और इसी कारण की वजह से वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन डेलन अपने भाई की फ्यूनल वाले दिन वो जेल से भाग जाता है ताकि उसके भाई की फ्यूनल को वो अटेंड कर सके, लेकिन यहाँ से उसकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। डेलन एक तो बीमार है ही लेकिन इसी के साथ साथ उसके साथ काफी सारी चीजें भी घटनाएं घट रही होती है। अब ऐसे में उसका साथ कौन देता है कौन नहीं देता है, ऐसे क्या हो चुका था उसके साथ, एग्जैक्टली इसी स्टोरी को आप इस मूवी को देखकर जान सकते हो। वन टाइम वॉच के लिए ये मूवी काफी ज्यादा जबरदस्त है। एक्शन एडवेंचर के साथ टाइटन। सुपर हीरो वेब सीरीज में अगर साईफाई के साथ डार्क मैजिकल मिस्ट्री पावर देखने को मिल जाए ना तो सीरीज देखने में मजा आता है। ये सीरीज कुछ अजीबो गरीब टाइप आपको एक्सपीरियंस कराएगी। स्टोरी कुछ ऐसे ही टीनेज टाइटंस पे बेस्ड है जिनके हर एक के पास अपनी अपनी यूनिक पावर्स हैं। सीजन 1 की स्टोरी फोकस है रेचल पे जो की एक रेवन है और उनके पास कुछ डार्क मैजिकल सुपर पावर है जो उसके कंट्रोल में नहीं, उनकी बैक स्टोरी यही सब आपको सीरीज में देखना है। धीरे धीरे करके भाई सीरीज आपको पसंद जरूर आएंगी, थोड़ी पेशेंस रखिएगा। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। द मैन फ्रॉम टोरंटो ये 2022 की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो कि आई थी 5.8 की रेटिंग के साथ। द मैन फ्रॉम टोरंटो एक ऐसा एसोसिएशन होता है जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट किलर में से एक है और इसी वजह से वो दुनिया की कोई भी इंसान से कोई भी बात उसके मन से या फिर मुंह से बाहर निकलवा सकता है। लेकिन उसके कमीशन वाले दिन द मैन फ्रॉम टोरंटो के बदले कोई और इंसान उसके काम की जगह पे वो पहुंच जाता है और वो आदमी होता है सिर्फ एक सेल्समैन। उसके साथ आगे क्या क्या होगा ये जानने के लिए इस मूवी को डेफिनेटली मस्ट वॉच है अगर आपको कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है। सीरीज की कॉन्सेप्ट भाई हमारी बचपन की वो मैजिकल फैंटेसी डिजायर को फुलफिल करती है। कितना अच्छा होगा जब आपके पास कुछ मैजिकल चाबियां हो जिससे आप कहीं भी आ जा सकते हैं। हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से मोस्ट पॉपुलर फैंटेसी सीरीज में से एक टोरंटो की साइफाई फैंटेसी टोटल 3 सीजन के साथ लॉक एंड की। एक ऐसे मिस्टीरियस हाउस जिसमें छिपा है अलग अलग मैजिक के साथ कुछ मैजिकल कीज जिससे सही दरवाजे को ढूंढ कर उसकी की मैजिकल पावर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसी कॉन्सेप्ट को लेकर नेटफ्लिक्स ने भाई हमारे सामने एकदम फ्रेश एंड परफेक्ट तरीके से रखा है और इसमें कोई शक नहीं सीरीज टॉप क्लास की है। टोटल 3 सीजन, हर एक सीजन में कुछ नई चाबियां, उनकी जर्नी, हर एक चाबियां की अलग अलग उनकी पावर, ये सब देखने में आपको मजा बहुत आएगा। नहीं देखे तो सीरीज को आप डेफिनेटली देखना स्टार्ट करिए। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ट्रोल ये 2022 की एक फैंटेसी फिल्म है जो कि 5.8 की रेटिंग के साथ। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के अंदर देख सकते हो जिसके अंदर कहानी में देखने को मिलती है नॉर्वे नाम की एक जगह की जहाँ पर कुछ लोग माइनिंग का काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसी धमाके के बीच में
वो लोग आजाद करवा देते हैं कि एंशिएंट क्रीचर या फिर मॉन्स्टर को जो कि बहुत सालों से जमीन के नीचे रह रहा होता है। अब जैसे वो ट्रोल मॉन्स्टर आजाद होता है वो नॉर्वे के शहरों में तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब ऐसे में नॉर्वे की गवर्नमेंट किस तरीके से उस मॉन्स्टर या फिर ट्रोल को हैंडल करते हैं एग्जैक्टली इसी चीज को हम इस मूवी के अंदर देखेंगे। भाई सीरीज को आपने नहीं देखा तो एक बार देखना स्टार्ट करिए। ये वेंसडे की कैरेक्टर भाई स्ट्रेंजर थिंग्स की 11 की तरह आपकी दिलो दिमाग एक एक रगों में बस जाएगी। इस वेंसडे की कैरेक्टर ने प्रूव कर दिया कि बिना ज्यादा कुछ बोले सिर्फ अपनी बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन से आपके दिमाग पे गहरा छाप छोड़ सकती है। भाई हम बात करें जनरली टू की नेटफ्लिक्स की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट वॉचेबल वेब सीरीज डार्क फैंटेसी के साथ वेंसडे। सिर्फ एक बार देखना स्टार्ट करो भाई सीरीज को। नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। मूवी का नाम है नाइट्स ऑफ द ज़ोडियाक। ये 2023 की बनी एक एडवेंचर एक्शन फिल्म है। हाँ इस मूवी को रेटिंग कम मिल चुका है, 4.4 की रेटिंग मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा आप इस मूवी को देखिए। इसकी स्टोरी, इसकी विजुअलिटी, सीन्स आंखों को सुकून देती है। आप एक बेहतरीन सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें धीरे धीरे कर आप खोते चले जाएं, जिसमें आपको हर एक की अपनी अपनी प्लॉट देखने को मिले, तो डेफिनेटली इस फैंटेसी ड्रामा सीरीज को देखना स्टार्ट करिए। 2019 की टोटल 2 सीजन क्राइम फैंटेसी ड्रामा के साथ कार्निवल रॉक। सीरीज की स्टोरी कई सारे प्लॉट में घूमती है। एक ऐसी दुनिया जहां एक तरफ इंसान रहते हैं तो वहीं दूसरी ओर बद से बदतर जहन्नुम से भरी दुनिया में फेरी और कुछ क्रिएचर रहते हैं जो इंसान इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये इंसान उन क्रिएचर और फेरीज को नाली के कीड़े की तरह ट्रीट करते हैं। मिस्ट्री तो ये है कि इन फेरी और क्रिएचर की मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो रहे हैं। आखिर इन सब के पीछे कौन है आप सीरीज में देखिए अपनी आजादी के लिए एडवेंचरस जर्नी। और नो डाउट भाई सीरीज आपको फर्स्ट एपिसोड से ही हुक कर लेगी। इनके फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ इनकी सिनेमेटोग्राफी आपको पसंद जरूर आएगी। बस इसका नेगेटिव पॉइंट है इसके सीजन 1 हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल नहीं है, पर आप सीजन 2 हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो, प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। क्वेश्चन 11, ये 2001 की बनी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसको IMDb की तरफ से 7.7 की रेटिंग मिल चुकी है। इस मूवी के अंदर कहानी हमें देखने को मिलती है ओशन नाम के एक आदमी की स्टोरी, जो कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो लोगों की एक टीम तैयार करता है ताकि वो 3 जगह पे चोरी कर सके, जो कि लगभग नामुमकिन है क्योंकि आज तक जितने भी लोग उन 3 जगह के अंदर चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो लोग या तो पकड़े जाते हैं या फिर उन्हें मौत की सजा हो चुकी है। अब इसमें क्या ओशन और उसकी टीम क्या इस चोरी को अंजाम दे पाएंगे या फिर नहीं, एग्जैक्टली इसी स्टोरी को हम इस मूवी के अंदर देखने वाले।